समय से मैं सीपीयू साहब को चाह रहा था कि जिनके आशीर्वाद से मुझे प्रधान बनने का अवसर मिला। मैं साहब के प्रति बहुत समर्पित हूँ। साहब ने मुझे प्रधान बनाकर इतना बड़ा मुझे मान सम्मान दिया, इससे बड़ा मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊँ ना तो मेरे मुझे मुझे उसका कोई इतना लोभ नहीं है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। यहां मेरे पीछे देख सकते हैं रेल मुगरा के प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान हैं, जो राजसमंद विधानसभा से कांग्रेस की दावेदारी भी कर रहे हैं, उनके समर्थक भी हैं। और हम अभी बात करते हैं, अभी जैसे जो रेलमगरा क्षेत्र के बड़ी तादाद में जनसभा में लोग आ रहे हैं, काफ़ी गेट भी खड़े रखे हैं, आप सबका स्वागत कर रहे हैं। ये तो मेरा दायित्व है ना, मैं रेलमगरा का प्रधान हूँ, बतौर प्रधान हूँ, और मेरे गृह क्षेत्र में का कार्यक्रम हो रहा है सीपी साहब का, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आज आकर घर में ब्याह शादी होती है तो शादी का जो करने वाले जो होते हैं जो वो गेट पे करते हैं। अभी ये लग रहा चुनावी ब्याह है, मैंने कहा चुनावी शादी हमारे लिए। सीपी जोशी साहब आ रहे हैं वो चुनावी चुनावी तरह ही है। सीपी जोशी साहब जिस समय आए, जिस घड़ी में आवे, जिस तेज आज, आज आज क्या क्या मुख्य यहाँ प्रोग्राम है, किस तरह की प्रोग्राम? तो ये है कि मैं काफ़ी समय से मैं सीपी जोशी साहब को चाह रहा था कि जिनके आशीर्वाद से मुझे प्रधान बनने का अवसर मिला वो मेरे गांव के अंदर आवें, और उनके हाथ से जो ये स्टेडियम जो बना उस स्टेडियम का और जो विभिन्न कार्य के जो कार्य हुए हैं उस कार्यों के लोकार्पण सीपी जोशी साहब करें, और सबसे पहले इस क्वालिटी में आकर और मुझे भी आशीर्वाद दें, और हमारी जो जनता है उनको भी उनके जो अपने शब्द हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो विज़न है, वो सबको सुनने को मिले। एक मुख्य रूप से आप जैसे दावेदारी भी कर रहे हैं कांग्रेस से, तो यूँ लग रहा है कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी देखा जा रहा है ये दावेदारी? मुझे पत्रकार बना रहे हैं और बिजली वाले बना रहे हैं। मैंने पहले ही बोला मैं साहब के प्रति बहुत समर्पित हूँ। साहब ने मुझे प्रधान बनाकर इतना बड़ा मुझे मान सम्मान दिया, इससे बड़ा मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊँ ना तो मेरे मुझे उसका कोई इतना लोभ नहीं है। मेरे लिए सीपी जोशी साहब एक मेरे विकास पुरुष और मेरे दाता की तरह पूजनीय है, और उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया उनको प्रधान बनाने के लिए, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, और जो सीपी जोशी साहब जो दिशा निर्देश देंगे उस पर खरा उतरने की पूरी प्रयास करूँगा मैं। अभी क्या लग रहा है, ये चुनाव होने जा रहे हैं और होने वाले हैं, उससे पहले जो चुनावी सभाएं हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहा है, इन कार्यक्रमों में लोगों को कैसा उत्साह? आप तो मीडिया के कवरेज और लक्ष्मण सिंह जी चारों तरफ जाते, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी का भी हो, आप जा रहे हो, और आपने जो हुजूम देखा है हमेशा कांग्रेस का, सीपी जोशी साहब जो बातें हैं, कार्यकर्ता का हुजूम आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा है, तो बनस्पित कल्पना और तुलना आपसे बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आप प्रधान हैं तो आप अपने आप कैसे उसको देखते हैं? मैं तो सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरा नाम लकी है, मेरे घर वालों ने लकी रखा, मैं अच्छे कुल में पैदा हुआ, अच्छे परिवार में पैदा हुआ, मुझे कम समय में सीपी जोशी साहब ने थी जनता से का सेवा करने का मौका दिया, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसमें अभी जो मुख्य रूप से एक देखा जाता है कि सीपी साहब का मुख्य रूप से वो मुंह पे लताड़ भी देते हैं, भले उनका एक ही है कि सच्चा जो भी ये कहना करना तो करना, ना तो ना, हाँ तो हाँ, तो ये जो उनका है, कुछ लोग इसको नाराजगी के रूप में देखते हैं। नाराजगी देखो ना, मेरा ये मानना कि अगर अपना पिता अपना गार्जियन अगर अपन को सही रास्ता नहीं दिखाएगा तो अपन अपनी आने वाली पीढ़ी को अपन गलत रास्ते सिखाएंगे, झूठ बोलना सिखाएंगे। सीपी जोशी साहब की एक ही बात थी, जो हो सकता है उसको सही बोलो, नहीं होता एक बार नाराज होगा, पर जब उसको पता लगेगा हाँ यार ये बात साहब सही कह रहे थे, जब वो तुलना करेगा ना तब पता चलेगा नहीं साहब सही कह रहे थे। अभी कल का ही जैसा एक मामला सामने आया, वो दिलवाड़ा के पास में उन्होंने एक हॉस्पिटल के कोई गंदगी का मामला था, तो वो कि आप प्रॉपर आप पहले तहसील में जाते हैं फिर कलेक्टर के पास जाते हैं, अगर वो नहीं सुनते तो मैं करता। ये जो मामला कल ही हुआ वहाँ पे भी इसी तरह, ये तो उन्होंने क्लियर बोला ना, उन्होंने कहा अगर हर आदमी, देखो आज मैं भी प्रधान हूँ तो हर आदमी मेरे तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है, तो सरकार ने व्यवस्था बनाई है, अपने सरपंच भी बनते हैं, प्लस अपने तहसीलदार को बैठाया, एसडीएम को बैठाया, ताकि हर आदमी क्या है कि जनप्रतिनिधि सीपी जोशी साहब जयपुर रहते हैं, जयपुर में बिराजते हैं, या फिर टूर पर फील्ड पर रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जगह पर नहीं मिल पाता, तो तहसील और एसडीएम कार्यालय इसलिए बनाया है कि कोई अगर समस्या है अगर नहीं सुन रहा तो वहाँ समाधान कर सके, नहीं सुनते हैं तो जनप्रतिनिधि बैठे ही हैं, कह सकते हैं ना, परेशान होने जो सिस्टम बना रखा है उस सिस्टम से चलो, मतलब सिस्टम तो ही है, सिस्टम से चलना है, उसमें दिक्कत है भी नहीं है, पर यह कहना है सीपी जोशी साहब कोई छोटा नेता है नहीं, बहुत बड़े नेता हैं, उनकी तुलना अगर आप छोटे नेता से एमएलए से करो तो वो तो कोई तुलना होती नहीं है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज़ को समझता है और संज्ञान में लेकर उसका समाधान करने की बात करता है, उलझाने वाला व्यक्ति वो सीपी जोशी साहब है ही नहीं है। अभी एक मुख्य रूप से चुनाव में चर्चाएं भी चल रही है, एक
मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं स्टालिन, उन्होंने एक बयान दिया था सनातन धर्म को खत्म करने का, और कांग्रेस का जैसे इंडिया से जो गठबंधन है, इसको आप कैसे देखते हैं उनके बयान? मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आप अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी भी कांग्रेस को कुछ बोलते थे, आज वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने को तैयार हो गए। तो ये एक आप देख लो राहुल गांधी जी की अपनी इच्छा शक्ति और उनका जो क्रेज़ है, तो सारे नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद के लिए नहीं देश के लिए सोच रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकली, उसका कोई बदलाव दिखेगा? बिल्कुल, आप देख रहे हैं बदलाव तो दिख ही रहा है आपको। आप देख रहे हो, आप कर्नाटक में सरकार बनी है, इन चारों स्टेट के अंदर इतना अच्छा माहौल चल रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। आप देख लो, आप 5 साल ने राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने काम कर लिया, बीजेपी के पास कोई तीनों इन्होंने चाहे इन्होंने जितने भी जन आक्रोश निकाल लिए या जो भी इन्होंने जो संघर्ष करना था, अभी इन्होंने परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली, उसमें बता रहे हैं कि पूरे राजसमंद जिले की पूरी हवा ही चेंज हो गई है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपसे बेहतर पत्रकार से बेहतर कोई हवा नहीं बता सकता चेंज क्या है। वो आप अच्छी तरह मन में जान रहे हो हवा कैसी चेंज हुई है, किस तरीके से हुई है, और कितने लोग कहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो जितने लोग उन्होंने एक जगह इकट्ठे किए, वो हम 10 जगह उससे बड़ी संख्या में इकट्ठे कर सकते हैं। नाथद्वारा की विधानसभा की, तो फिर भी सभी लोग भी कह रहे हैं और दिख भी रहा है कि एक तरफा है, ऐसा कह रहे हैं लोग। लेकिन राजसमंद विधानसभा में यूँ रहता है कि बीजेपी का गढ़ है, तो कांग्रेस के लिए तो यहाँ तो वो कभी जीतते। मैं आपको कह रहा हूँ, इस बार इतिहास बदलने वाला है और सबसे सर्वाधिक मतों से जीतकर राजसमंद का विधायक बनकर जयपुर में जाएगा और नेतृत्व करेगा, और अकाल पड़े हुए कार्य के अंदर जो विकास नहीं हो पाए राजसमंद के अंदर 2003 के बाद, आप रेल मंगरा की अगर 15 पंचायत देखेंगे ना, रेल मंगरा 2003 के बाद यहाँ से लगातार बीजेपी का विधायक बनकर जा रहा है। आज 20-20 साल अगर विधायक रह गए, उसके बावजूद भी ये रोडों की हालत आप देख लो क्या कंडीशन है, तो इससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। फिर भी लगभग बीजेपी, अगर बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं तो कारण क्या है, लगातार बीजेपी विधायक को क्यों वोट दे रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ कि बीजेपी के एक बहुत बड़ा फंडा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बोलते रहो तो लोगों को भ्रमित करते हैं, और कांग्रेस को क्या भ्रमित करना नहीं आता, और भ्रमित पे राजनीति नहीं चलती है। तो अब आप जो 2023 का चुनाव देखेंगे, राजसमंद के अंदर कांग्रेस का विधायक चुन के जाएगा और नेतृत्व कांग्रेस का करेगा। इस बार जैसे अभी जो भी सर्वे गए हैं, चुनावी मंथन अभी दोनों ही पार्टियां कर रही हैं अलग अलग, उसमें भी रुख देखा गया है कि भीम और उसका प्रत्यक्ष तौर पर बता रहे हैं कि ये तो एक तरफा है, यहाँ थोड़े सा मतलब आपके पदाधिकारी भी कह रहे हैं हाँ कुछ चुनौती तो है लेकिन पार पा जाएंगे, ये चुनौती है मतलब मान तो रहे हैं? चुनौती अब आपको कौन बोल रहा है, मुझे नहीं पता चुनौती कौन बोल रहा है, मेरी नज़र में तो कोई चुनौती नहीं है। एक तरफा राजसमंद की सीट निकलेगी और आप देखते रहना इस बार। मुख्य रूप से रेलमंगरा के राजनीति प्रताप सिंह चौहान और सभी कार्यकर्ताओं में पहुंचा, इस बार निश्चित तौर पर राजसमंद विधानसभा जीतेंगे। आने वाला वक्त बताएगा किसे वोट मिलता है और जनता का रुख क्या रहता है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं प्रधान साहब के साथ में, उनके युवा हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनकी भी बात आप तक पहुँचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।